सबके सामने ये जो एपिसोड आज सुबह इस शहर के अंदर जो हुआ है, इसके संदर्भ में आज तमाम पार्टीज के लोग कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशन आज बैठे हैं। आपके माध्यम से जो लोगों की डिमांड है वो आप तक पहुंची है। अब जो एक्शन हुआ है लीगल है इलीगल है दैट द कोर्ट ऑफ लॉ विल डिसाइड, मगर एक अपॉर्चुनिटी और विल बी डिसाइड जो आदमी है उसको मिलनी चाहिए, यही ग्रीवियंसेस है। और इन सब बातों को लेकर आज प्रदर्शन सारे बैठे इस नेशनल हाईवे पे बैठे हैं। बात ये कोई भी अगर बात हुई है उसका समाधान के लिए देर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स। तो अब सरकार जो सरकार इस वक्त जो मौके की सरकार है वो यहाँ पे डीसी साहब है, वो आए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई नुमाइंदे आए हमारे से यहाँ पे आके बैठ के बात करें, जो लोगों के ग्रीवियंसेस हैं जिनका लोगों का नुकसान हुआ है उसका क्या वे आउट है, कैसे करना है, क्या करना है, तभी बात हल होगी। पर कठुआ लावारिस नहीं है कि कोई भी आएगा कोई भी कुछ करेगा, वो बात ठीक नहीं है। और लोगों को एक अपने ग्रीवियंसेस को हेयर करने की उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, यही लोगों में रोष है। क्या मानते हैं आपके यहाँ अफसरशाही चल रही है यहाँ? देखिए अफसरशाही वाली बात नहीं, खानदानी रजवा बात ये है कि अगर किसी ने बिल्डिंग बनाई है वो कहता है मेरे पास नक्शा परमिशन है, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट नाउ, पर कम से कम अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए। अब लेफ्ट समबडी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन कम वो बात करते हैं, जो गरीब लोग हैं वो भी इधर ही हैं, वो सब बैठे हैं, तो एक बारी बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन में बात करनी चाहिए। पीपल शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई गलत काम तो किसी ने किया नहीं। अब यही एक लोकतंत्र में तरीका बचा है कि एक लोकतांत्रिक ढंग से हम सब यहाँ बैठे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर कानून हम तोड़ नहीं गए, वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। एमएलए साहब क्या लगता है लोकतंत्र अभी जिंदा है जिस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो ग्रीवियंसेस हमारी है हम ग्रीवियंसेस को लेकर ही यहाँ बैठे हैं। ग्रीव ना होते तो हम यहाँ पे आज क्या नौबत पड़ती है? तो अब इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देना है। सरकार कहती है हम डोर स्टेप पे लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या लगता है आपको सरकार के दावे जो है कितने खोखले हैं? डीसी कहता है कोई एहसान कर रहे हो हमारे पर जी। नहीं, जो एटीट्यूड है जिसका भी जो एटीट्यूड है उसके संज्ञान तो लिया ही जाएगा जी। अब जब लोगों में इतना बड़ा रोष है तो उसको जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना ही पड़ेगा। क्या लगता है सरकार कहाँ तक जो है लोगों को इंसाफ देने के लिए? कहीं ना कहीं लकुना तो है जी। लकुना नहीं रहा होता, कोई परेशानी नहीं रही होती, कोई ऐसी बात नहीं हुई होती तो हम लोग आज सड़कों पे क्यों बैठते? कहीं ना पूरा शहर आज यहाँ पे आके बैठा है तो कोई ना कोई कारण तो है। आए दिन हम देख रहे हैं लोगों को परेशान किया जा रहा है। चुनाव ना होने की इस बात का चुनाव से रिलेशन नहीं है, लोगों की बात करते हैं नुमाइंदे आके आज हम बैठे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पार्षद उनके पास गए, पार्षदों ने अपना रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद मैं यही बात कह रहा हूँ कि
कि कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई लुकुना रहा है, कहीं ना कहीं कोई कभी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तभी तो हम बैठे हैं। जब लोग परेशान होंगे तो हम तो लोगों के साथ हैं। एमएलए साहब, एमएलए साहब क्या समझते हैं आपकी, लोग जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो उनकी कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, क्या लगता है आपको कि धारा 370 टूटने के बाद लोग जो है वो कितने परेशान हो गए, और लोग ये मांग करते हैं कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। इलेक्शन तो हो गए, आज हम इलेक्शन के इशू को लेकर नहीं बैठे हैं। नहीं, लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा ये, लोगों से जड़ा हुआ मुद्दा ये, मैं आपको यही कह रहा हूँ, लोगों से जुड़े हुए मुद्दा था, इसलिए हम सारे नुमाइंदे कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, चाहे पोला जी है, चाहे मेरा शाम है, चाहे और साथी है, चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, सारे लोग आगे बैठे हैं, काउंसलर साहब हैं, 15 काउंसलर में रेजोल्यूशन डाला है, कहीं ना कहीं तो फॉल रहा होगा। मतलब आप मानते हैं कि तानाशाही है, किसी ने किया, कोई ना कोई कमी तो है, कहीं ना कहीं तो परेशानी तो है। शान है, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, लोगों के मॉल तोड़े जा रहे हैं, प्रशासन जो है तानाशाही कर रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो कठुआ के लोग हैं, एक तो शरीफ लोग हैं और देशभक्त लोग हैं, आज इन्हीं के ऊपर एक तानाशाही, एक तालिबानी फरमान जो देखा गया, मैं सुबह जब निकला चारों तरफ रोड बंद था, और तानाशाही करके मैं डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि किस कानून के तहत, किस आइन के तहत आपने उसकी दुकान तोड़ी, हमें वो चाहिए, क्योंकि डीसी कोई हमारा रिप्रेजेंट नहीं है, ये हमारा नौकर है, और डीसी साहब को यहाँ पे आना चाहिए और कानून बताए हमें कि किस कानून के तहत वो दुकान तोड़ी गई, और यहाँ पे एक काला कानून जो लाया गया है, ये अंधा कानून, जो तालिबानी फरमान, ये देशभक्त लोग है, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी लोग है, इन्होंने सरकार को वोट दिया है, और खास करके मैं एलजी सरकार को कहना चाहता हूँ, जो ये तानाशाही जो यूटी बनने के बाद नए नए एक्सपेरिमेंट लोगों के ऊपर कर रही है, ये कभी कठुआ की जनता बर्दाश्त करेगी? कठुआ की जनता कभी, मैं कहना चाहता हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे बगैर किसी पार्टी से, यहाँ के कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, ये शहर का मसला है, वो हमारे भाई हैं, तो ये तानाशाही कभी नहीं चलेगी। डीसी हमारा नौकर है, वो हमारा मालिक नहीं है, वो जब तक यहाँ नहीं आता, यहाँ जब हमारे हमारा कानून नहीं बताता कि किस कानून के तहत, ये स्टेट लैंड है, कोई 2 साल जहाँ पे काम चलता रहा, जब विशाल मेगा मार्ट ने यहाँ पे अपना माल, जहाँ पे रोजगार मिलना था लोगों को, तो ये कठुआ की बदनसीबी है कि कठुआ को ऐसे लीडर मिले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहने जाता हूँ, और एलजी सरकार को कहने जाता हूँ, आपका एलजी है, आपकी सरकार है, और आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के मजबूर हुए, कहीं ना कहीं नाकामी है आपकी सरकार में, सेंट्रल सरकार में और स्टेट सरकार में आपकी नाकामी है। ये भाजपा वाले क्या दिखाना चाहते हैं? भाजपा वाले जल्द आप लोगों को दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन ये भाजपा ने ही हमारे यहाँ पे नया कानून लाया, और ये भाजपा का एलजी है, आज उसके एलजी काम करते हैं, यही तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही कठुआ के ऊपर लोगों पर चल रही है, और सेंट्रल सरकार की, खासकर एलजी सरकार ने, एलजी तो यहाँ पे यूपी और बिहार के आईएएस अफसर लगा रहे हैं, यूपी बिहार के सारे हमारे लोकल आईएएस अफसर, ये अफसर नहीं लग रहे हैं, बाहर के लोग हैं, ये बिहारी लोग हैं, यूपी लोग हैं, और ये बिहार को यहाँ पे बसाना चाहते हैं, तो यही मैं गलत कार्रवाई है, और इनको पहले नोटिस देना चाहिए था, 4 नोटिस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बिल्कुल गुंडागर्दी है जो एलजी सरकार ने मचा के रखी है, बीजेपी सरकार ने मचा के रखी है, खुद दुकानें चलाते हैं और खुद धरने देते हैं, ये तो लोगों को एक गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हम तो ये कहते हैं इधर पे कोई इलेक्टेड सरकार बननी चाहिए और लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, जब तक इलेक्टेड सरकार नहीं बनेगी, इसलिए तो इलेक्शन नहीं करवा रहे ताकि इनकी गुंडागर्दी चलती रहे, जब तक इलेक्टेड सरकार नहीं बनेगी लोगों की भलाई नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। कानून दे देंगे, सारा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, इसका तो बैठ के आ जाएगा, तो मैं सारे 100 बंदे नहीं जवाब दे सकता। कब से जब बिल्डिंग बन रही है, जब बन के तैयार होगी इधर आएंगे, जब कम हो गए तो मैं कंडेम करता हूँ। ये जो माल तोड़ा गया है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है डिप्टी कमिश्नर कठुआ की,
इसको आए हुए अभी 10 दिन नहीं हुए, लेकिन एक आदमी के कहने पर इस डिप्टी कमिश्नर ने आकर के माल को तोड़ने का फैसला ले लिया, ना किसी को नोटिस दिया। और उससे पहले मैं आपको बात बताऊं कि कठुआ के प्रोमिनेंट लोग, जिसमें मैं भी शामिल था, हमने जाकर डिप्टी कमिश्नर से बोला कि ऐसा है कि ये जो माल बना हुआ है इसको आपने बंद करवाया है। जो हमारी सरकारें हैं G20 के नाम पर कश्मीर में VVIP ट्रीटमेंट देकर कि आओ इधर रोजगार लगवाओ और इधर इंडस्ट्री लगाओ और रोजगार लोगों को मिलेंगे, तो अगर ये माल चल जाएगा तो ये कोई 50-60-70 हमारे कठुआ के लोग लगने थे और लगे हुए थे, उनके ऑर्डर भी हुए थे, तो बोलता ये मेरे सिर एहसान करेंगे, अगर लगाएंगे तो हमारे सिर एहसान करेंगे। मैंने कहा DC साहब, ये जो जगह है ये सरकारी नहीं है, ये जगह जो है उसने डोमेस्टिक का नक्शा पास किया है, मतलब कमर्शियल का नहीं है, जो नॉर्म्स होते हैं वो उसको अडॉप्ट करेंगे। बोलता नहीं, और उल्टा वो जो इधर अभय गुप्ता था उसको बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मैं टांग दूंगा, मैं उल्टा लटका दूंगा। तो ये DC की, ये जो डिप्टी कमिश्नर है, इसकी जो लैंग्वेज थी मुझे ऐसे लगा जैसे कोई गुंडा कहीं यूपी बिहार से उठा करके ले आया, उसको तहजीब ही नहीं बात करने की कि प्रोमिनेंट, उसकी उम्र होगी 30 साल उसकी उम्र होगी, तो हम 60-65 साल से ऊपर ही सारे लोग गए थे, और इसको ये नहीं पता है कि जिले का तुम एक राजा होता है डिप्टी कमिश्नर, उसने सभी की बात सुननी होती है। और जब भी कठुआ में कोई आफत आती है, हमारी जैसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो व्यापार मंडल है, ये हम इनका पूरा सहयोग करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चलते हैं। जबरदस्ती इनको दबा लोगे, लेकिन इनको चाहिए था कि उन लोगों पर भी एक्शन करते, अगर बगैर नक्शा तो पास हुआ है लेकिन डोमेस्टिक का हुआ है, कमर्शियल का नहीं हुआ है, तो उन पर भी एक्शन करते। ये आ जा कर के ये 370 का हमें ये फायदा दे रहे हैं कि 370 लगा करके यहाँ पर गुंडा राज फैलाना चाहते हैं। क्या समझते हैं आपकी इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है ये LG है ना, राहुल गांधी से मिला हुआ है, जो काम अपोजिशन ने करने होते हैं वो ये सरकार कर रही है। आज देख लो BJP के लोगों ने अच्छा समझा, मैं तो वेलकम करता हूँ कि जिनकी सरकार है आज उनके कान भी खुले हैं और आज सड़क पर बैठे हैं आकर के, और लोगों को भी थोड़ा हुआ कि हमारी कोई लीडरशिप है यहाँ पे, और आज इन लोगों को अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठना पड़ रहा है, तो ये इससे बदकिस्मती वाली और क्या बात हो सकती है। करोड़ों का नुकसान हुआ है, कौन भरपाई करेगा? करोड़ों का नुकसान है, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो अभय गुप्ता जो जिसका बिल्डिंग तोड़ी गई है वो यहाँ से गायब है या कहाँ है, भगवान करे उसको सही सलामत रखे। अगर उसको कुछ हो गया तो हम इसको कड़ियाँ लगवा करके कठुआ से 302 का पर्चा लगा के डिप्टी कमिश्नर को यहाँ से भेजेंगे, हम भेजेंगे नहीं, कठुआ जेल में ठकवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सही सलामत होना चाहिए। दो घंटे तो खड़े होने की गलती नहीं है, स्कूल के बच्चे है, बसा है, अपने वैष्णो देवी यात्री है, लेट द हाईवे गेट क्लियर, आप मसला रिजोल्व करा। मैं पता, आई अंडरस्टैंड द मैटर, सारा कुछ तुम्हारी गलती नाल ही होया, जो कुछ होया, आई अंडरस्टैंड, जो कुछ होया तुम्हारी गलती नाल होया। चलो आप हाई फाइंडिंग कर लो, तुम इसलिए क्या बाहर निकलो, चलो बाहर, यहां से प्रोमिनेंट लोग नहीं थे, ऐसे तुम आज भी प्रोमिनेंट हो, अब अगले पॉइंट पर चलो, तुम आज भी प्रोमिनेंट हो, तुम प्रोमिनेंट ही हो, आपकी वजह से हुआ जाएगा, एक मिनट वहां पे ही गल मान लेना है, मैं इतने खड़ा अभी गल करके जा रहा हूं, ये क्लियर करके जाएंगे हम भी क्लियर, हम कोई परेशान करने के लिए नहीं आए सर, ये अपने लोग हैं, मैंने कोई अपने मेरे ही बंदे हैं, कोई सोच वाली गाली नहीं है, ठीक है ना, इसे हाईवे क्लियर कराओ, अभी आराम से गल करेंगे, हाईवे क्लियर होना सबको जरूरी है, उन्होंने कोई गलती नहीं है, वो आपकी बात नहीं, हमारी क्या गलती है, उनकी गलती हमारी क्या गलती है।
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਐਗਰੀਡ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈਵੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਪੇਂਟ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ ਸਰ ਸਰ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰਾ ਸੁਣੀ ਬਾਤ ਕੀ ਦੀ ਆਪਨੇ ਬੋਲਾ ਕਟੋ मैंने कहीं कुछ नहीं बोला मैंने आपकी बात बहुत आराम से नहीं नहीं मेरी गल जनाब चले उतो हाथ क्या बोला उन्होंने डीसी साहब ने बात की है कि मैं ऑफिस में हूँ मेरे आगे कमेटी बनाएंगे उनके परिवार भी जो पॉसिबल होगा मैं इनकी मदद करूँगा जी जो उससे आगे बढ़ के भी मैं करूँगा अब देखते हैं अब हम जाएंगे देखते हैं कि कैसे इनकी मदद की जा सकती है हम तो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए बस हम इतना चाहते हैं तो जिनका नुकसान हुआ उनके लिए कुछ बोला गया कि वही पूरी बात होगी ना अभी क्या नुकसान हुआ है क्यों हुआ पूरी बैठ के बात करेंगे और उनको हक मिल जाए उनका नुकसान भरपाई हो जाए हम तो नहीं चाहते कि किसी को नुकसान ना इस मुद्दे पे पंकज जी क्या कहना है इस मुद्दे पे इसी साहब का वचन आगे सुना रहे हैं जी ठीक है ना जो लोगों की राय होगी वो हमारी राय तो जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है दुकानें तोड़ी जा रही हैं मॉल तोड़े जा रहे हैं लोगों से जमीनें छीनी जा रही हैं लोकतंत्र नहीं है लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी और एलजी प्रशासन पूरी तरह से इसमें संलिप्त है जी और सब हमारे जो लोकल जो लोअर लेवल के ऑफिसर हैं वो भी पूरी तरह से इससे इन्वॉल्व है और हम ये चाहते हैं कि जितना भी ये काल मेला हुआ है शुरू से डे वन से जी उसकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जो लोग चाहे इलेक्टेड हैं चाहे सिलेक्टेड हैं चाहे सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं करोड़ का माल अंदर सड़ी बिकना दफ्तर मेरे आने की जरूरत ही नहीं है जम्मू कश्मीर च संवाद नहीं रहेगा डायलॉग नहीं रहेगा डंडा ले आई जिंदे पहले गए बुलडोजर किन्नी जमीन गई लोगों दी देखो ना जाइए पता करो ना अपने रोड थोड़े और आइए सेलैंड बोल लगे दिखे ना किन्ने किन्नी गई ਦੱਸੋ